दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फॉर्चुनर ऑटोमेटिक कार। ये इसकी इनसाइड लुक, ये इसका स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग के राइट साइड में यहाँ पे चाबी लगती है, चाबी से स्टार्ट होती है। और ये इसकी हैंड ब्रेक है, अभी नीचे से ऊपर खींचेंगे ये जो है काम करना शुरू हो गई है। इसका आगे ये निशान आ जाएगा और रिमूव करने के लिए यहाँ से पकड़ेंगे, ये इसका क्लच है, इसको दबाएंगे और नीचे कर देंगे तो ये देखो वहाँ से इसका जो है एरर गायब हो गया है। और इसका ये लीवर है, यहाँ से गियर लगते हैं, इसमें कोई क्लच सिस्टम नहीं है। आपने ब्रेक को दबा के इसको पीछे खींचेंगे तो बैक गियर लग गया है। इसमें ओनली सेंसर है, बैक कैमरा नहीं है। और फिर पीछे खींचेंगे तो ये न्यूट्रल होगी और आगे मीटर में भी शो होगा एन, ये देख सकते हैं आप। फिर पीछे खींचेंगे तो ये आ गया इसका डी। और इसके जो है हैवी पावर गियर भी हैं, ये लीवर को पकड़ के लेफ्ट साइड पुश करेंगे तो आगे मीटर में शो होगा S4, आप देख सकते हैं S3, S2। तो गियर डाउन करने के लिए ये जो हैवी पावर गियर हैं, लीवर को आगे की तरफ पुश करेंगे, गियर डाउन होंगे तो वापस जो है राइट साइड जो इसको लीवर को पुश करेंगे तो डी लग जाएगा। और फिर आगे की तरफ पुश करेंगे एन और आर और ये आ गया पी। अभी गाड़ी पार्किंग में है, ये इसकी हैंड ब्रेक है। और यहाँ पे इसका एसी सिस्टम सामने डैशबोर्ड में दिया है। लेफ्ट तरफ इसको जो है करेंगे ऑफ हो जाएगा और ऑन करने के लिए ये लो हाई जैसे भी आप रखना चाहें। और ये एसी का स्विच है, यहाँ पे ऑफ करने के लिए इसी बटन को जो आप लेफ्ट तरफ करेंगे तो एसी ऑफ हो जाएगा। म्यूजिक सिस्टम सामने दिया हुआ है और इसके फ्लैशर का बटन यहाँ पे दिया है डैशबोर्ड में। और ये इसका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के राइट साइड में यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम दिया है, आप कंट्रोल कर सकते हो। लेफ्ट साइड में भी दिया है, फ़ोन रिसीव भी कर सकते हो। और प्लस जो है लेफ्ट साइड डोर है उसमें लेफ्ट राइट मिरर की सेटिंग यहाँ पे दी है। ये स्विच दिया है, इसको आपको पकड़ के घुमाना है। राइट साइड घुमाएंगे तो राइट साइड की सेटिंग होगी और लेफ्ट साइड घुमाएंगे लेफ्ट साइड की सेटिंग। और लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे दिया है। ये ऑटोमेटिक कार फॉर्चूनर साइड लुक।